हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 14th of September 2024 सैटरडे, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, दैट मींस 9 सितंबर से 13 सितंबर तक करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट वीक में जो डॉलर इंडेक्स एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है with an intra week high of 101.84 and low of 100.88. so yahan pe ek consolidations aap agar dekhoge back to back 3 week se dollar index jo hai wo aapka ek small range ke andar mein consolidate kar raha hai. iska main karan kya hai? fomc rate decisions jo aapka 18th of september नेक्स्ट वीक में आने वाला है, एंटर मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट वन। क्या क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, क्या 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा एंड वन व्हाट सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस द फेड चेयर इज गोइंग टू गिव। उसके ऊपर हमें प्राइस एक्शंस को देखना है। अगर ओवरऑल प्राइस को देखेंगे, जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस था काफी समय से, नवम्बर 2022 से अभी तक, मीन्स ऑलमोस्ट 2 साल से ये एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। ऑन द हायर साइड 107.50 एंड ऑन द लोअर साइड 100.00 से 101.00 के बीच में इसी अंदर में ये प्राइस मूव कर रहा था। अभी ये एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है क्या ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है इसको क्या कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करता है। अगर यहाँ पे convincingly breakdown करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक convincing मान लेते हैं कि 18th of September का जो FOMC rate decision से उसमें means as per the market expectations rate cut होते हैं and further guidelines होते हैं, तो ये support को तोड़ के नीचे की तरफ आना चाहिए। एंड subsequent week में भी अगर continuation dollar index में देखते हैं, so एक negativity below this support zone. In such a case, medium terms में dollar index में जो हम सोच रहे हैं वो है आपका 92.00 के तरफ, लेकिन confirmation हमें चाहिए। अभी dollar GBP dollar, GBP dollar में भी आप देखोगे last week में एक doji candle बनाया हुआ है, immediately एक resistance level 1.32 levels पे, so इस resistance zone को respect कर रहा है। अभी FOMC rate decisions तक ज्यादा कुछ major volatility हम expect नहीं कर रहे हैं, rather rate decisions के बाद क्या ये ऊपर की तरफ breakout करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ breakout करते हैं तो हमारा जो immediate target हो सकता है वो है आपका 1.3650 का, and जो major resistance हो सकता है वो है आपका 1.42 से 1.4350, लेकिन उसके लिए काफी लंबा टाइम चाहिए। अभी हमें इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीक का रेट डिसीजंस एंड उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करते हैं। जीबीपी आईएनआर जो वो भी स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है, सो यहाँ पे ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं एंड फॉलो थ्रू मिलता है, इन सच ए केस हमें एक अपवर्ड बायस, अपवर्ड बायस लॉन्ग टर्म में हमें क्या टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो टारगेट हो सकता है वो है इस रेंज, यानी ये आपका 107.50 से नीचे की तरफ 83.50 का जितना भी डिफरेंस है उतना ऊपर की तरफ, यानी हमें लॉन्गर टर्म में 130 से 131 के तरफ एक मूव मिल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, मंथली चार्ट, सो झट से नहीं आने वाला है, झट से नहीं, काफी समय लगेगा, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 9 मंथ्स, उस टाइप का एक डायरेक्शन हमें मिल सकते हैं। अभी ये जो व्यू है ये इसके अंदर में क्या क्या हमारा कंडीशन है, हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर, कौन सा रेजिस्टेंस, ये जो 26 अगस्त वाला जो वीक है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बोलिश कैंडल का कंफर्मेशन देना चाहिए एंड उसके बाद फॉलो थ्रू चाहिए,
देन नेक्स्ट मे बी 6 months 9 months डाउन द लाइन इन सच ए केस अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखते हैं, पॉजिटिविटी कैसे दिखेगा, कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो अगर दिखते हैं तो लॉन्गर टर्म में हमारा जो जीबीपी डॉलर का जीबीपी आईएनआर का टारगेट है वो 131 के तरफ होना चाहिए। ये अगर 131 के तरफ होगा जो डॉलर इंडेक्स हमारा टारगेट होगा 92 के तरफ, दोनों में टाइम चाहिए। इन सच ए केस जीबीपी डॉलर में भी हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 142 के तरफ, बट ये जो एनालिसिस है सब्जेक्ट टू प्राइस कॉन्फर्मेशन, ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन से, लेकिन उसी एक्सपेक्टेशन के तरफ से क्या प्राइस बिहेव करते हैं एवरी वीक वी नीड टू मॉनिटर, क्योंकि ये जो एनालिसिस है लॉन्ग टर्म वाला एनालिसिस है। यूरो डॉलर लास्ट वीक में मीन्स ये जो करेंट वीक में जो किया है इसी भी ने रेट कट किया है, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बना हुआ है, मेजर कोई वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पे नहीं देखी है। क्यों मैं बड़ा इवेंट जो है एफओएमसी डे डिसीजंस बाजार उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी इस 26 अगस्त का जो वीकली कैंडल है दैट मींस 1.1202 इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं इन सच केस जीबीपी डॉलर में हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो होगा आपका 1.1650 के तरफ। ऑल डिपेंड्स ऑन एफओएमसी रेट डिसीजंस एंड एंटीसिपेशन कि डॉलर इंडेक्स इस सपोर्ट जोन के नीचे जाएगा एंड यूरो डॉलर ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। एंड आते हैं यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर में भी सिमिलर एनालिसिस, यहाँ पे वीकली एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है जो आपका एक प्राइस कंसोलिडेशन का बिहेव कर रहा है। अभी 26 अगस्त के हाई के ऊपर हमें एक मेजर मूवमेंट मिल सकता है, ये जो मेजर मूवमेंट है उसका डायरेक्शन मींस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं इन सच ए केस हमारा जो आने वाले 6 से 9 महीने के बीच का जो यूरो आईएनआर का जो यूरो रुपी का टारगेट हो सकता है वो है आपका ये यानी टूवर्ड्स आपका 106.50 की तरफ एक जाने का प्रयास हो सकता है। इसके लिए हमें प्राइस कन्फर्मेशन चाहिए, पहले तो ब्रेकआउट चाहिए 26 अगस्त के ऊपर एंड एक बुलिश मोमेंटम चाहिए, देन एंड ओनली देन एक बिगर टारगेट की तरफ यूरो आईएनआर मूव करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। वंस अगेन आई मेंशन दैट ये इमीडिएटली नहीं आने वाला है, इसके लिए 6 months to 9 months या इवन मोर इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी ये जो डॉलर येन है, डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 140.75। यहाँ पे देखने वाला चीज जो 5th अगस्त का जो डोजी बनाया हुआ था लो ये टेम्पोररी बॉटम था और इस हफ्ते में उस बॉटम के नीचे जाके क्लोज दिया हुआ है एंड वीकली आरएसआई आप देखो कि दो दो बार बैक टू बैक रेजिस्टेंस लिया है आरएसआई 40 पे, दैट बीइंग द केस ये डॉलर येन वीकली पर्सपेक्टिव में काफी डाउनवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी डाउनवर्ड एक्सपेक्टेशंस के लिए पहले नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है 138 से 139 एंड उसके बाद 130 से 131 की तरफ, लेकिन उसके लिए पहला तो है एफएमसी रेट डिसीजंस उसके बाद प्राइस कंफर्मेशंस। अगर हम येन आईएनआर का प्राइस एक्शंस देखेंगे ये वीकली क्लोज दिया है 0.5955 पे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया। आफ्टर एफएमसी रेट डिसीजंस अगर मार्केट एज पर द एक्सपेक्टेड लाइंस जाते हैं इन सच ए केस येन आईएनआर का जो मेजर टारगेट हो सकता है वो है आपका 0.6350 के तरफ। नेक्स्ट आते हैं डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस था कि ये ब्रेक डाउन किया था कौन सा लेवल का 1.36 का सपोर्ट लेवल का, उसके बाद ये ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूव भी किया। नॉर्थवर्ड मूव के बाद हमें ये देखना था क्या ये रेजिस्टेंस लेवल में को रेस्पेक्ट करता है एंड स्विंग लो को तोड़ता है। अभी लास्ट वीक का जो कैंडल है ये प्राइस
रिजेक्शंस एट अ हायर एनर्जी, दैट बीइंग द केस, इसका मतलब क्या है, ये 1.36 को रेस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमें देखना है प्राइस कंफर्मेशंस एंड सब्सिक्वेंटली ये जो 26 अगस्त का लो है, क्या ये 26 अगस्त का लो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं इन सच ए केस। डॉलर कैंडी मे बी मूविंग डाउन टुवर्ड्स 1.32 से 1.3250, इसके लिए भी हमें प्राइस कंफर्मेशंस चाहिए। अभी ऑसी डॉलर, जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था, प्राइस यहाँ पे क्लैरिटी इज मिसिंग, थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर कर सकते हैं। यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर करके प्राइस जो वीकली बनाया हुआ है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया, प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ साइड्स, ऊपर के साइड्स में भी प्राइस रिजेक्ट किया, नीचे के साइड्स में भी प्राइस रिजेक्ट किया। अभी ये वीकली आरएसआई जब तक 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते एंड ऑल्सो यहाँ पे 0.6870 से 0.6900 का रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ते हैं, तब तक ये थोड़ा सा मींस चॉपिनेस बरकरार रहेगा। एक बार इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच में जो आपका लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था, हमें ये देखना था कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसको रेस्पेक्ट करके नीचे आते हैं या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर डब्ल्यू पैटर्न आने वाले समय में बनाते हैं तो हमारा एक टारगेट हो सकता है, लेकिन अभी तक वो डब्ल्यू पैटर्न कुछ बना नहीं है। रेदर ये रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करके ये जो स्विंग लो है उसको चैलेंज करने के लिए आ रहा है। अगर ये आपका 26 अगस्त के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं तो हमारा एक नया एनालिसिस होगा, और अगर सीएनएच ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं तो उसका हमारा डिफरेंट एनालिसिस होगा, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो है लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एट टिपिकल सपोर्ट एरिया। हमारा एनालिसिस वही था दो हफ्ता पहले का जो एनालिसिस है, आप देखोगे 19th अगस्त का लो एंड 12th अगस्त का हाई आर टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये 70.00 एंड उसका भी नीचे तोड़ेगा तो फिर फर्दर डाउन। तो 70.00 के नीचे प्राइस बिहेव किया, ट्रेडेड लो ऑफ 68.45 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 71.57। ये जो कैंडल बनाया हुआ है आफ्टर ए शार्प डाउन एक डॉजी मींस इंडिसिशंस, ये इंडिसिशंस को हमें मॉनिटर करना है आने वाले एक या दो हफ्ते में, क्या यहाँ पे ये जो डॉजी बनाया हुआ है क्या ये अल्टीमेटली मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशंस करते हैं। अगर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशंस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार करेगा। अगर ये स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे क्लोज देते हैं आने वाले हफ्ते में या और भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली इन सच ए केस यहाँ पे और भी डाउनवर्ड प्रेशर हमें दिख सकता है। सो इस प्राइस एक्शन को हमें केयरफुली मॉनिटर करना है, क्या कैसे बिहेव करते हैं प्राइस एक्शंस। अभी आते हैं हमारा यूएस टेन ईयर ट्रेजरी जो क्लोज दिया है वो आपका 3.655। यहाँ पे देखने वाला चीज है ये जो आपका 5th अगस्त का लो है, इस लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है। अभी एफएमसी रेट डिसीजन के बाद कैसे नंबर आते हैं, उसके बाद क्या ये आपका पहले 3.33 एंड देन 2.63 के तरफ मूव करते हैं या नहीं, ये हमें डेटा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पे ये 5th अगस्त के लो के नीचे काफी नीचे जाके क्लोज दिया है एंड उसके बाद का जो टारगेट था वो टारगेट भी टच कर चुका है, 3.5556 का जो टारगेट था वहां पर जाके क्लोज दिया है। अभी दो तीन दिन मीन्स जब तक एफएमसी रेट डिसीशंस नहीं आते तब तक ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें वॉलिटिलिटी को चेक करना है। वीकली पर्सपेक्टिव में RSI at 26 मींस काफी बेयरिश हो चुका है, अभी हमें मोमेंटम के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पहले एफएमसी रेट डिसीशंस। यहाँ पे जो देखने वाला चीज है, क्या देखने वाला चीज है आपका US 2 year treasury versus US 10 year treasury जो हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे 10 year treasury 3.65, 2 year treasury 3.58,
यानी ये जो इन्वर्शन कर्व अनइन्वर्टेड हो चुका है, यानी अभी ये जो रेट्स है नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। अभी हमें एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद एक मोमेंटम का इंतजार है एंड प्राइस को अकॉर्डिंगली मॉनिटर करना है। फाइनली हमारा जो डॉलर रुपी पार्ट है, डॉलर रुपी पार्ट में मींस यहाँ पे कोई एनालिसिस, कुछ भी एनालिसिस, एवरीथिंग विल फेल। क्यों फेल होगा? जब तक इनविजिबल हैंड्स अपना डोमिनेंस यहाँ पे रखते हैं, ना ही T4 के ऊपर अलाउ कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, एंड मार्केट प्रेशर के कारण ये 83.70-75 के नीचे भी जा नहीं पा रहा है। सो यहाँ पे हम कुछ एनालिसिस करने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का डोमिनेंस है, उनके डोमिनेंस के सामने हमारा कुछ नहीं चलता है, चाहे बड़ा ट्रेडर हो चाहे छोटा ट्रेडर हो, कुछ भी हो कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। रेदर वी नीड टू फ्लो विद द ट्रेंड। तो अभी यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ऊपर में 84, नीचे 83.70-75, इसी के बीच में जब तक मूव करता है हम भी उसी हिसाब से दोनों साइड में अपने 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 प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, छोटा मूव कैप्चर कर सकते हैं। एंड वी नीड टू केयरफुली मॉनिटर द इनविजिबल हैंड्स नेक्स्ट परसेप्शन, क्या वो परसीव कर रहे हैं, क्या ये डॉलर रुपी को अलाउ करेंगे 84 के ऊपर, या इसको फिर नीचे खींच के 83.50-83.30 की तरफ लेके आएंगे, उसी का हमारा इंतजार रहेगा। अभी करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड। बाय बाय।